हेलो बच्चों, आज हम सेवेंथ स्टैंडर्ड हिंदी इस विषय का फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाला पोर्शन देखने वाले हैं। तो इसमें मैं स्टार्ट करूंगी आज फिफ्थ पोएम से, बंदर का धंधा। तो ये पोएम हमने की हुई है, अभी इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। उसके मैंने यहाँ पे कुछ वर्कशीट निकाले हुए हैं, तो लेसन वाइज मैं आप लोगों को ये एक एक करके देने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और सेमेस्टर का आपका जो भी स्टडी है आप लोग अच्छे से कर सकते हो। मराठी के भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट पोर्शन मैंने दिया हुआ है। और आप लोग चाहो तो मैं आप कमेंट करके मुझे बताओ तो अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगी। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम स्कूल का है। फर्स्ट सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक वर्कशीट यहाँ पर है 2020 एंड 2021। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बंदर का धंधा। ये डार्क हुआ है यहाँ पर बिकॉज ये जेरोक्स कॉपी है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो बच्चों ये जो आंसर्स मैं दे रही हूँ ये आप लोगों को सिर्फ अपने तक ना रखते हुए दूसरे बच्चों के साथ में भी शेयर करना है। तो मेरे चैनल का लिंक या वीडियो जो है आप लोग शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देख सकें और मेरा चैनल जो है उसका भी ग्रोथ अच्छा होना चाहिए ना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आपके लिए मैं और ज़्यादा हार्डवर्क करूँ और ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, बंदर के हाथ क्या लगा? बंदर के हाथ टूटा फूटा आला लगा। अभी आप मुझे ये बताओ आला मतलब क्या होता है, या आप में से अगर किसी को मालूम है तो आप क्या करोगे मुझे कमेंट करके बताओगे, चलेगा? ओके, चलो अभी एग्ज़ाम के लिए दे रही हूँ तो मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन ही कर देती हूँ। आला मतलब होता है जो डॉक्टर हमें बुखार वगैरह आता है, सर्दी खांसी होती है, तो हमारा चेस्ट जो है वो चेक करने के लिए जिसे यूज़ करते हैं स्टेटोस्कोप, उसे हिंदी में कहते हैं आला। ठीक है, कान में डालते हैं और हमारे चेस्ट के ऊपर इस तरह से वो चेक करते हैं कि अंदर ब्रीदिंग कैसे हो रही है, कफ वगैरह है क्या, ये सब चेक करने के लिए वो देखते हैं, तो उसे हम स्टेटोस्कोप कहते हैं, से हिंदी में कहेंगे आला। तो ये आला बंदर के हाथ लगा हुआ है। भालू को कौन सी बीमारी थी? भालू को खांसी और ज़ुकाम की बीमारी थी। खांसी तो पता है, ज़ुकाम मतलब सर्दी होना। बिल्ली को कितना बुखार था? बिल्ली को 104 बुखार था। तो आप बुखार बोलोगे तो आप खा लिखोगे, अगर का बोलोगे बुखार तो आप क लिखोगे। इसके लिए हिंदी में जब भी हम लिखते हैं तो वर्ड्स जो उसे क्लियरली रीड करना है और वैसे ही आप लोगों को लिखना भी है। बंदर ने बिल्ली को क्या दवाई दी? बंदर ने बिल्ली को गिलोय का रस दिया। अभी गिलोय तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि आजकल जो पतंजलि की दवाइयाँ हम लेते हैं उसमें गिलोय का रस वगैरह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। जो जिन्हें बुखार रहता है या कोई भी बीमारी रहती है ऐसी, तो बुखार से रिलेटेड उनके लिए गिलोय ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपके पेरेंट्स को कुछ इसके बारे में पता है तो आप उनसे इसकी जानकारी और ले सकते हो। लोमड़ी क्या चाहती थी? लोमड़ी अपने आप को चिकना और सुंदर बनाना चाहती थी। मतलब लोमड़ी को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखूँ, इसीलिए वो अपने आप को चिकना और सुंदर बनाना चाहती थी। ठीक है, सबको ऐसे ही लगता है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। बंदर बोला डैश पत्ते पीपल की जड़ थाम, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। तो आप ये उत्तर कब लिख सकते हो? जब आपने पोएम अच्छे से लर्न की होगी। तो आप लोगों को मैं ये पोएम किस तरह से लर्न करनी है ये भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, ताकि किस तरह से उसे फटाफट लर्न करना है और अच्छे से आप लोगों को पोएटिकली रीड करने का भी मैं दिखा दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कल से ही तुम डैश करोगी इना मीना डीना, तो डांस करोगी इना मीना डीना। झट बंदर ने डैश के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे, पेड़ लिखना है, पेड़ ड को ऐसे लिखना है, नीचे एक डॉट देते हैं हिंदी में। अच्छी अच्छी डैश जंगल से वह लाता। अच्छी अच्छी क्या लाता? जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटी मतलब जो आयुर्वेदिक की दवाइयाँ होती है वो वहाँ से लाता था, मतलब पत्ते हैं, छाल हैं, झाड़ की, तो यही सब आता है ना उसमें यूज़ होता है, मतलब हर्ब्स जो रहते हैं
चलिए इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न उत्तर विस्तार में। विस्तार में मतलब ब्रीफ, बड़े। बंदर ने भालू को कौन सी दवा दी? एक बार मरीजों के हृदय की धड़कन नापने वाला यंत्र बंदर को मिला। यंत्र मतलब हृदय की धड़कन नापने वाले यंत्र क्या है? आला। तो आप आला भी लिख सकते हो, कोई यहाँ पे बात नहीं है, आप आला भी लिखोगे फिर भी चलेगा। एक बार क्या लिखोगे? एक बार बंदर के हाथ में एक आला लगा या बंदर को एक आला मिला। उसे लेकर वह एक वृक्ष के नीचे मेज कुर्सी डालकर बैठ गया, जिससे उसके पास मरीज आने लगे। मरीज मतलब जो बीमार लोग हैं उन्हें मरीज कहते हैं। एक भालू खांसी और जुकाम की शिकायत लेकर आया। तब बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ को पानी में उबालकर सुबह शाम पीने को कहा। तो यहाँ पर आप लोगों को यही आंसर लिखना है, सिर्फ यहाँ पर आप चेंज कर दो, हृदय की धड़कन नापने वाला यंत्र के बदले आप आला लिख दो। बंदर ने बिल्ली का बुखार ठीक करने का क्या इलाज बताया? एक बार बंदर के पास बिल्ली बुखार आने पर आ गई। उसे 104 बुखार था। उसका बुखार उतारने के लिए बंदर ने गिलोय का रस 3 बार पीने के लिए कहा। तो मतलब बंदर ने बुखार के लिए क्या दिया है? गिलोय का रस। और कितने बार पीने के लिए कहा है? 3 बार। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी हमें दवाई देते हैं सुबह शाम और रात को लेने के लिए, मतलब कितने टाइम? 3 बार। तो ये एक पैटर्न होता है दवाई खाने का। बंदर ने लोमड़ी को सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या उपाय बताया? लोमड़ी को सुंदर दिखना था, इसलिए वह बंदर के पास दवा मांगने आई। तब बंदर ने उसे घी कुवार 2 बार चेहरे पर लगाने के लिए कहा, मतलब घी लगाने के लिए कहा, और उसकी फीस भी मांगी। और उसने क्या किया कि जब तुमको लगेगा अच्छे से तुम दिखने लगी हो तब तुम मुझे फीस दो, ऐसे भी उसने कहा है। मतलब डॉक्टर है तो हर चीज़ का फीस तो लेंगे ना, फ्री में तो दवाई नहीं देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। जड़ी बूटियों से होने वाले लाभ पर 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। मतलब आप लोगों को आयुर्वेदिक जो मेडिसिन मिलते हैं उसके बारे में 8 से 10 वाक्य लिखने हैं, सेंटेंसेस लिखने हैं। हमारे पूर्वजों ने जड़ी बूटियों की दवाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। जड़ी बूटियाँ हमारे जीवन को तरोताज़ा और प्रसन्न रखती हैं। जैसे आप लोग च्यवनप्राश वगैरह खाते होंगे तो वो भी सब क्या है? जड़ी बूटियों से बनाई हुई है और उससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर स्फूर्ति आती है, शक्ति आती है, इसीलिए ये सब चीज़ें खाई जाती है। इससे बनने वाली दवा हानिकारक नहीं होती है, मतलब वो अच्छी होती है, हानिकारक नुकसान करने वाली नहीं होती है, ना ही ज़्यादा खर्चीली होती है, मतलब वो सस्ती होती है। इन दवाओं से मरीज़ को जल्द से जल्द आराम मिलता है। इसकी सही जानकारी रखने पर हम बीमारी का इलाज कर सकते हैं। मतलब इसके बारे में हमें मालूम भी होना चाहिए कि कौन सा पत्ता है, कौन सी चीज़ है, कब खानी है, कौन से बीमारी में खानी है, यह भी पता रहना बहुत ज़रूरी है। इन औषधियों का उपयोग हमारे रसोई के चीज़ों में भी होता है। जैसे हम रसोई की चीज़ों में पेट में दर्द हुआ है तो हम अजवाइन खाते हैं, तो अजवाइन तो हमारे घर में खाने में भी यूज़ हो जाता है। तो ऐसे छोटे एक एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ये इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे खाने में यूज़ होती है। जैसे अदरक होता है, कभी खांसी हो जाती है तो आप लोगों को मम्मी ने कभी अदरक का काढ़ा बना के दिया होगा ना, तो ये खाने की चीज़ है, खाने में भी यूज़ होती है, खाना बनाने में, और दवाई भी बन जाती है उसकी। साथ ही ये पेड़ पौधे बेल और पत्तों से के रूप में रहती है, ठीक है। अभी उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित पद्यांश, पद्यांश मतलब जो कविता है उसे पद्य कहते हैं, पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। उत्तर लिखिए, बीमारी और यहाँ पर बंदर द्वारा इलाज। तो बंदर ने क्या इलाज बताया वो हमें लिखना है। खांसी और जुकाम के लिए क्या कहा गया है? तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ों को पानी में उबालकर इस पानी को पीना।
बुखार में क्या करने के लिए कहा है, गिलोय रस, वो भी 3 बार, है ना। ओके अभी नेक्स्ट देखेंगे, हाथ लगा बंदर वहाँ से लेकर जल्द उसे उतार। यहाँ तक जो आपको पद्य दिए है, कविता दी है, उसके आधार के ऊपर आपको ये सारे आंसर्स लिखने हैं। पद्यांश में आए पशुओं के नाम, तो उसमें कौन कौन से पशु के नाम आए हैं, पशु मतलब एनिमल, यहाँ पे आप लिख सकते हो एनिमल ऊपर, बंदर, भालू, बिल्ली। घटनाक्रम के अनुसार मतलब आपको क्या फर्स्ट हुआ क्या सेकेंड, यहाँ पर लिखना है के अनुसार लिखना है। बिल्ली को 104 बुखार था, बंदर के हाथ टूटा फूटा आला लगा, भालू को खांसी जुकाम था, बंदर ने फीस बाद में देने के लिए कहा। तो अभी आप सोचोगे देखो इसे कैसे लिखना होगा, अगर पोएम आपने अच्छे से लर्न की है तो आप इसे आसानी से लिख सकते हो। तो इसके उत्तर यहाँ पर दिया है, फर्स्ट में आएगा खांसी जुकाम था, फिर उसके बाद भालू को, बंदर के, देखो फर्स्ट में आएगा बंदर के हाथ लगा एक टूटा फूटा आला, भालू को खांसी जुकाम था, फिर उसके बाद बंदर ने फीस बाद में लेने के लिए कहा, और बिल्ली को 104 बुखार था। ये ऐसे सीक्वेंस में है, यहाँ पे फर्स्ट दिया है ये है, सेकंड ऐसे यहाँ से यहाँ तक है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक। ओके नेक्स्ट, वचन पहचानिए, बदलना नहीं है तो पहचानना है, जड़, तो ये एक वचन है। पत्ते बहुवचन, बहुत ज़्यादा होते हैं तो पत्ते बहुवचन। लिंग पहचानिए, लिंग को पहचानना है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, मेल फीमेल। बिल्ली स्त्रीलिंग, भालू पुल्लिंग। ओके उसके बाद यहाँ पे चौखटी पूर्ण करने के लिए कहा है, चौखट पूर्ण कीजिए। लोमड़ी की चाहत और इलाज, अभी लोमड़ी को क्या लगता था क्या कैसा रहना है, तो उसको लगता था चिकना व सुंदर दिखना, यहाँ पर लिखा है चिकना व सुंदर दिखना। एक सेकेंड मैं आप लोगों को पेंसिल से लिख कर देती हूँ, चिकना व सुंदर दिखना। उसे ऐसे लगता था कि मैं चिकनी बनूँ और सुंदर दिखूँ, उसके बाद उसके लिए क्या करने के लिए कहा, घी लगाना। उपाय क्या बताया, घी लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है, तभी लोमड़ी जंगल से वह लाता, तो इसे हम, इसका भी यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर्स, कारण लिखिए। लोमड़ी बंदर के पास आई थी क्योंकि उसे चिकना सुंदर बनना था। अभी वो क्यों आई थी, तो कारण क्या लिखना है, क्योंकि उसे चिकना सुंदर बनना था, तो ये आपको लिखना है, आंसर है ये। बंदर जंगल से अच्छी जड़ी बूटी लाता, क्यों लाता, क्योंकि उसे दवाई बनाकर उसका इलाज, सबका इलाज करता, इसीलिए लाता। थर्ड क्वेश्चन है, पद्यांश में आए शब्द युग्म लिखिए, शब्द युग्म मतलब साथ में आए हुए, ऐसे टूटा फूटा, कुर्सी मेज, ये दोनों साथ में आए हैं ना, इसके लिए लिखना है। उसके बाद देखो पद्यांश में आए विराम चिन्ह, उसके नामों के साथ लिखिए, तो विराम चिन्ह कौन कौन से आए हैं, चिन्ह है यहाँ पर और उसके नाम है, ये है अल्प विराम और ये है पूर्ण विराम, जो हम फुल स्टॉप इस तरह से देते हैं ना इंग्लिश में या मराठी में, तो हिंदी में हम फुल स्टॉप इस तरह से देते हैं, तो इसे कहेंगे पूर्ण विराम। तो ठीक है बच्चों, ये पोएम कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम पृथ्वी से अग्नि तक इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, तो आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है, थैंक यू।